नमस्कार, मैं नितिशा नागर। आप देख रहे हैं भारत का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल पीएन वॉइस। आइए नजर डालते हैं आज की इस ताजा खबर पर। खंडवा बड़ौदा रोड स्थित साईं धाम परिसर में निर्मित साईं मंदिर का छठवां स्थापना महोत्सव व गुरुवार पूर्णिमा विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं रक्तदान तथा टीकाकरण शिविर के आयोजन के साथ मनाई गई। वर्ष 2016 में शिरडी साईं मंदिर की तर्ज पर बने साईं मंदिर के छठवें स्थापना महोत्सव पर अनेक कार्यक्रम साईं सेवा समिति नानपुर द्वारा आयोजित किए गए। साईं सेवा समिति के संयोजक प्रदीप क्षीरसागर ने बताया कि गुरुवार पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रातः आरती, अभिषेक, यज्ञ हवन आहुति के साथ दोपहर 12 बजे महाआरती एवं प्रसादी वितरण कार्यक्रम के साथ मानव सेवा हित में रक्तदान एवं कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन भी परिसर में ही बने सेवा सदन में किया गया। नानपुर से देवेंद्र वाणी की रिपोर्ट। कोरोना कोविड को देखते हुए साईधाम नानपुर के द्वारा लगातार सेवा, समर्पण और सद्भावना के साथ में जिस तरीके के आयोजन रखे जाते हैं, उसी श्रृंखला अनुरूप यहाँ पे जनहित में, मानव हित में सेवा के रूप में आज के इस गुरु पूर्णिमा उत्सव और छठवां स्थापना उत्सव आयोजित किया गया है। प्रथमतः बड़े गर्व के साथ ये कहते हुए खुशी हो रही है कि महिला शक्ति द्वारा जो रक्तदान शिविर रखा गया था, बढ़ चढ़ के भाग लिया और लगभग 30 यूनिट रक्तदान संग्रह हुआ। वहीं टीकाकरण वैक्सीन यहाँ आयोजित किया गया था, उसमें भी बढ़ चढ़ के लोगों ने सम्मिलित होने की अपनी भागीदारी निभाई और लगभग 70 से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन किया। हर साल गुरु पूर्णिमा उत्सव और स्थापना उत्सव को लगातार यहाँ सद्भावना के साथ में आयोजित किया जाता है और इस वर्ष चूँकि कोविड की जो गाइडलाइन थी उसके अनुरूप यहाँ आयोजन किया गया था और सभी साईं भक्तों ने उसमें अपना समर्थन दिया और बारी बारी से यहाँ दर्शन लाभ लेकर के पूरे आयोजन में अपनी सद्भावनापूर्वक भागीदारी निभाई। रक्तदान में 32 यूनिट रक्तदान हुआ और जान के ये आश्चर्य होगा कि उसमें 14 महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके भागीदारी निभाई है। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए लाल बटन को दबाकर बेल बजाइए और ताज़ा खबर व आपसे जुड़ी जानकारी पाइए। खबर पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी आपके ही आसपास की खास घटना व मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।